दोस्तों अगर कहा जाए कि पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में से अगर हॉलीवुड में किसी की चलती है या फिर किसी का नाम चलता है तो आप किसका नाम लोगे? मुझे पता है आप कहेंगे कि भैया शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान बहुत बड़े ग्लोबल स्टार है और बाहर के देशों में शाहरुख खान की फिल्में जितनी चलती हैं उतना किसी भी स्टार की फिल्में नहीं चलती हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया शाहरुख खान का टाइम अब गया और अब हॉलीवुड पर राज कर रहा है इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर पैन इंडियन स्टार प्रभास, तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। और अगर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए रिसेंटली एक सर्वे के दौरान हॉलीवुड सुपरस्टार से पूछा गया कि अगर आपको एक इंडियन एक्टर के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कहा जाए तो आप किस स्टार को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो दोस्तों मोस्टली हॉलीवुड सुपरस्टार्स ने नाम लिया नन अदर देन प्रभास का, और दोस्तों उसका कारण था उनकी बाहुबली फिल्म की परफॉर्मेंस का। देखिए रिसेंटली बाहुबली फिल्म को यूएस में रिलीज किया गया था RRR के साथ, और जो रिस्पॉन्स बाहुबली को मिला है दोस्तों वो काबिले तारीफ था। देखिए वैसे तो बाहुबली को कोई अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि बाहुबली पुरानी फिल्म है और अब जाकर यूएस में उसको रिलीज किया गया था RRR की सक्सेस के बाद, लेकिन दोस्तों जो रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से बाहुबली फिल्म को मिला वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और मोस्टली हॉलीवुड सुपरस्टार्स ने ये फिल्म देखकर प्रभास की बहुत ज्यादा तारीफ भी की थी, जिसके चलते अब हॉलीवुड के सुपरस्टार्स की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है प्रभास का। और अगर उन्हें कहा जाए कि वो कोलैबोरेशन किसके साथ करना चाहेंगे तो उन्होंने शाहरुख खान की बजाय प्रभास का नाम चुना। और दोस्तों यही कारण है कि आज के टाइम पर प्रभास का स्टारडम आसमान छू रहा है। तो दोस्तों आज की ये खबर जानने के बाद आपको कितनी खुशी हुई है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रभास के फैन है तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।